नमस्कार बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर आई हूँ वो है हिंदी शिक्षण से संबंधित विषय है पद्य शिक्षण या फिर कविता शिक्षण। अगर पद्य और कविता की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पद्य और गद्य जो मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि पद्य जो है पद्य में सारी कविताएं आती हैं और गद्य में जो अन्य विधाएं हैं संस्मरण है, रेखा चित्र है, पाठ है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, वो सारी की सारी जो है वो गद्य में आती है। और पद्य में जो कविता है वो सारी कविताएं किस में आती है? पद्य में आती है। तो पद्य शिक्षण की अगर हम बात करें और कविता शिक्षण की बात करें तो हम ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भाव है, जो कवि के उद्गार है, वो कहाँ से निकलते हैं? वो उसके हृदय से निकलते हैं। और जो कविता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कवि के हृदय की कल्पना कहा जाता है। उसमें रसानुभूति है, उसमें कलानुभूति है, उसमें कलात्मकता है, उसमें भाव है, उसमें हृदय के उद्गार है, जो एक कवि देखकर सोचता है और उसकी दृष्टि ही अलग होती है, चीजों को देखने का नजरिया ही अलग होता है। और कवियों के बारे में कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां तक सूर्य की किरणें भी नहीं जा सकती वहां तक एक कवि की दृष्टि जा सकती है और वह उन कोनों को भी झांक कर देख सकता है जिन कोनों तक पहुंचना असंभव है, या हम कह सकते हैं कि जिन कोनों तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे ऐसे कोनों को छू लेता है कवि अपनी कलात्मकता के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा, अपनी क्या कह सकते हैं, अपनी जिज्ञासा के द्वारा, और एक चीज है कि अपनी कल्पना के द्वारा। सबसे मुख्यतः जो चीज है कवि के पास वो है उसकी कल्पना, क्योंकि कल्पना में कवि कहीं भी जा सकता है, प्रकृति में जा सकता है, पेड़ पौधों में जा सकता है, कवि बन सकता है, फूल बन सकता है, पक्षी बन सकता है, तो बहुत सारी चीजों में वो अपने आप को देख सकता है और यही है कवि की कल्पना। तो आज का बहुत ही जो हमारा विषय है बहुत ही अधिक हम कह सकते हैं कि ज्ञानप्रद होने वाला है, और आपके जो हम बात करते हैं कि आपके जो पेपर होंगे उसके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आपका पद्य शिक्षण। कविता की क्या परिभाषा दी है शंभुनाथ शेष के अनुसार? शंभुनाथ शेष जी कहते हैं कि मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का साधन मानता हूँ। क्या कहा उन्होंने? हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का साधन, यानी कि दिल की बात दिल तक पहुंचाने का जो साधन है उसका नाम है कविता। ठीक है, अब अगली परिभाषा देखिए। शैले के अनुसार कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। अभी मैंने आपको कहा था कि कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो जहां पर जाना असंभव हो। तो एक कल्पना की अभिव्यक्ति कहा जाता है कविता को। तो आइए देखते हैं कि कविता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, एक कविता में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है। सबसे पहले है मार्मिक भावों का उद्गार। बिल्कुल, मार्मिक भावों का उद्गार, मार्मिक जो हमारे दिल के अंदर के भाव हैं, उनके उन भावों का उद्गार करती है हमारी कविता। जैसे कवि नीरज की पंक्तियां मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, बस यही गलती मैं हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो कवि नीरज ने बहुत ही, और इन्हीं पंक्तियों को लेकर उनको एक फिल्म का गाना भी बनाया गया है, आप सभी ने ये गाना भी सुन रखा होगा। अगली देखिए रसानुभूति। रसानुभूति वो कविता ही नहीं मानी जाती जिसको पढ़कर रस नहीं आता, जिसको पढ़कर हमारे अंदर भावों का उद्गार नहीं होता, जिसको पढ़कर हम सराबोर नहीं होते, हमें ऐसा लगता है कि हम रस के समुद्र में गोते लगा रहे हैं एक कविता को पढ़ने के बाद। तो रसानुभूति या रसास्वादन जो है वो एक कविता की अहम विशेषता है जो कि उसमें होनी चाहिए। देखिए, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और ये कविता किस चीज के कौन से भावों को उद्गार करती है? आपके देश के प्रति आपके प्रेम भाव का उद्गार जो है ये कविता के माध्यम से कवि ने
किया है। तो आपके मन में जिस भी तरह से भाव आएंगे उन्हीं भावों का उद्गार जो है इस आपकी कविता करेगी। देखिए आगे कलात्मकता। कलात्मकता में क्या है कि कलानुभूति है। इसमें दो शब्द एक जैसे हैं, सजना और सजना, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। और इस पंक्ति पर भी एक गाना बना हुआ है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो इस तरह के भावों की अनुभूति है, कलात्मकता है, वो हमारी कविताओं में मिलती है, हिंदी काव्य की कविताओं में। फिर देखिए काव्यात्मकता। काव्यात्मकता का मतलब है कि कितनी काव्यात्मक शैली है एक कवि की जब वो लिखता है। कवि ने क्या लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा पहला गान। यानी कि जो पहला कवि है वो कैसा होगा, वो वियोगी होगा। जिसने पहली कविता लिखी होगी वो एक वियोगी कवि होगा, और आहा से उपजा होगा पहला गान। यानी कि जो उसके दिल की आहा निकली उसी से उसने सबसे पहली कविता बनाई। और ये थी हमारी कविताएं की कुछ विशेषताएं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब देखिए बच्चों कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता शिक्षण के सामान्यतः दो उद्देश्य होते हैं, पहला है सामान्य, दूसरा है विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि वो जितनी भी पद्य आप पढ़ते हैं वो सभी, जितनी भी पद्य मतलब जितनी भी कविताएं आप पढ़े चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़े, तो उसमें क्या होगा, सामान्य उद्देश्य सारी कविताओं के एक जैसे रहेंगे। समझे आप कि एक जैसे उद्देश्य रहेंगे, सामान्य उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होगा। वो इसके लिए है कि कविता या पद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं ये। और जो विशिष्ट उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य में मैंने आपको सामने लिख भी दिया है झांसी की रानी, ये मैंने एक कविता का नाम लिखा है। इसका मतलब मैंने कविता का नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि जो विशिष्ट उद्देश्य है वो किसी एक कविता से संबंधित होंगे। यानी कि हर कविता के अलग उद्देश्य होंगे, उसके विषय के अनुसार उद्देश्य होंगे। जिस प्रकार का विषय होगा उसी प्रकार के उद्देश्य होंगे। अब देखिए जैसे झांसी की रानी की अगर हम बात करें तो इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे कि बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित करना। कैसे पढ़ाते हैं हम झांसी की रानी को, बुंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से झांसी की जो रानी कविता है इसके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो अलग होंगे। तो इस प्रकार हर कविता के विशिष्ट उद्देश्य अलग होंगे और सामान्य उद्देश्य एक जैसे ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर है। सामान्य उद्देश्य सभी के सामान्य होंगे और विशिष्ट उद्देश्य के जो आपको विषय दिया गया है, चाहे वो कोई भी कविता दी जाए उस कविता के अनुसार ही उसके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो आइए देखते हैं कि कविता या फिर पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। देखिए लय स्वर आरोह अवरोह, कोई भी कविता आप गाते हैं कोई भी कविता आप पढ़ते हैं तो उसमें लय होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, आरोह और अवरोह होना चाहिए। यानी कि आपकी वाणी में उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको सुनाया ना कविता, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मेरा आरोह अवरोह हुआ ना, तो इस तरह से हर कविता में होना चाहिए। सस्वर विधि, हमेशा जब भी आप कविता का पाठ करेंगे हमेशा स्वर के साथ करेंगे, चाहे आप व्यक्तिगत तौर पर करें चाहे आप सामूहिक तौर पर करें। यानी कि सारे, चाहे तो आप अकेले करें कविता वाचन चाहे आप पूरी कक्षा के साथ करें, लेकिन उसमें क्या होगा, आप स्वरों के साथ कविता का वाचन करेंगे तभी आप उस कविता का आनंद उठा पाएंगे। अगली है अलौकिक आनंद। जब भी आप किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या होता है, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है हमारे अंदर, जो बहुत अधिक रस स्वादन होता है क्योंकि हम कविता को गायन रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि हम कविता को अपने मार्मिक स्थलों तक लेकर जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें कविता के से क्या प्राप्त होती है, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भाव कल्पना रुचि का विकास, मैंने आपको कहा था कि कविता किस पर आधारित है,
भावों पर और आपकी कल्पनाओं पर, क्योंकि कविता का अर्थ है कि एक कवि के द्वारा की गई कल्पना। ठीक है, रुचि का विकास, उसमें क्या होगा, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे कविता को उतने आप उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। भौतिक सात्विक भावनाओं का विकास, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उन सभी का विकास होगा कविता शिक्षण के माध्यम से। फिर है स्वाध्याय की प्रवृत्ति, ठीक है, स्वाध्याय क्या होगा कि जब आप अपने आप पढ़ेंगे, क्योंकि कविता में आपको आनंद आएगा, ये नहीं कि जब आपका अध्यापक या अध्यापिका आपको पढ़ा रहा है आप उसी समय पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको जब घर में आप बैठे होंगे, खाली समय आपके पास होगा, तब भी आप कविता को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे सामान्य उद्देश्य। आइए बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो कविता के विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं? कविता विशेष का ज्ञान, मैंने सामने लिखा हुआ झांसी की रानी, अगर मैं आपको झांसी की रानी कविता पढ़ा रही हूँ तो मेरा उसका विशिष्ट उद्देश्य होगा बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर देश प्रेम की भावना को विकसित करना। ठीक है, कविता का कवि का संक्षिप्त परिचय, उसमें मैं कवि के बारे में बताऊंगी कि ये कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद भाव पक्ष, कला पक्ष की जानकारी, यानी कि किस प्रकार भाव पक्ष, यानी कि उसके पीछे कवि की कौन कौन सी भावनाएं थी, किस प्रकार की भावनाओं से कवि ने रूबरू होकर या किस प्रकार की भावनाओं से भरकर इस प्रकार की कविताओं की जो है वो रचना की, वर्णित भावों और विचारों की जानकारी कि उस कविता में जिस प्रकार के भाव वर्णित है, यानी कि जिस प्रकार के भावों को दर्शाया गया है उसकी जानकारी भी आपको उस कविता के माध्यम से दी जाएगी। कविता की समालोचना, समालोचना का मतलब क्या है कि उस समय में लिखी गई सारी कविताओं की हम क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, उन कविताओं में हम ये करते हैं कि इस कविता में इस तरह की खूबी थी और इस कविताओं में इस तरह की कमी थी, तो वो है समालोचना। ठीक है, फिर है कविताओं में निहित भावों की जानकारी, मैंने इस ऊपर भी आपको बताया था कि जो निहित भाव क्या है इस कविता में, देश प्रेम की भावना का विकास करना, तो इस प्रकार के भावों को हम छात्रों के अंदर डालने के लिए हम इस प्रकार के विशिष्ट उद्देश्यों की रचना करते हैं जो एक बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होती हैं। अब देखिए बच्चे कविता, अब कविता की अगर हम बात करें तो कविता के तत्वों की अगर हम बात करें तो कविता के कितने तत्व हैं? कविता के दो तत्व हैं, भाव तत्व और कला तत्व। अब भाव तत्व और कला तत्व, अगर भाव तत्व की बात करें तो देखो जैसे एक कवि कभी भी कविता की रचना करता है या कविता लिखता है तो उससे पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जब है तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, कच्चा माल चाहिए कोई भी सामान बनाने के लिए, तो जो ये भाव है ये रॉ मटेरियल का, कच्चे तत्वों का काम करते हैं, कच्चे माल का काम करते हैं भाव तत्व जो है, और कला तत्व है जब वो कवि अपने भावों को कलात्मक दृष्टि से पेश करता है, यानी कि एक कविता बन जाती है तो उसे हम कहते हैं कला तत्व। तो दो तत्व है कविता के, भाव तत्व जब कवि के अंदर विचार आते हैं, जब वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहता है, जब उसके मन में भावों का उद्गार होता है तो उसे हम कहते हैं भाव तत्व, और जब वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर देता है कलम के माध्यम से, अपने विचारों को अपनी कविता को कागज पर उतार देता है, लिख देता है, तब उसे हम कहते हैं कला तत्व। ठीक है, तो भाव तत्व की अगर हम बात करें, भाव तत्व के आगे तीन भाग हैं। देखिए रॉ मटेरियल की मैंने बात की थी, कच्चे माल की बात की थी, तो भाव तत्व को हम देखिए चार चीजें हैं भाव तत्व में हमारे पास। ठीक है, अभी कौन सी है, देखिए पहले हमारे पास है विचार। ठीक है, हमें विचार चाहिए, कोई भी कविता जब कभी लिखेगा तो उसके मन में विचार आएगा लिखने का, तभी तो वो लिख पाएगा ना। ठीक है, सबसे पहले हमें विचार चाहिए और भाव चाहिए कि हमारे अंदर वो भाव और वो उद्गार होना चाहिए। फिर है नीति कि किस तरह से लिखना है, मैंने पहले वो हर चीज की प्लानिंग तो करेगा ना, नीति बनाएगा कि इन भावों को कैसे मैंने उद्गार करना है, कैसे लिखना है। और फिर है रस,
कि किस रस में मैंने वो कविता लिखनी है। तो ये सारे हैं भाव तत्व, विचार, भाव, नीति, रस, ये सब किस में आते हैं? भाव तत्वों में। अगर हम दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरा तत्व है कला तत्व। अब कला तत्व कब माना जाता है? जब कविता लिख चुका होता है कवि, जब अपने भावों को, विचारों को प्रकट और प्रस्तुत कर चुका होता है, तो उसे हम कहते हैं कला तत्व। कला तत्व में देखिए शब्द योजना, शब्द योजना का अर्थ है कि कविता में कवि ने किस प्रकार के शब्दों की योजना बनाई, कैसे शब्दों का वहां पर प्रयोग किया। फिर है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में आप सभी जानते हैं कि शब्दों को कलात्मक दृष्टि में प्रस्तुत करने के लिए हमें शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और आप तीनों शब्द शक्तियों के बारे में जानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इन शब्द शक्तियों का प्रयोग कवि अपनी कविता के अंदर करता है। फिर देखिए छंद। छंदों में आपको पता है कि छंद जो लिखे जाते हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कवि किस प्रकार से छंदों का निर्माण करता है। फिर है अलंकार। अलंकार में कि कौन से अलंकार का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है। अब मानो, मनो, जानो, जनो, या बहुत सारी कविताओं में देखते हैं, ठीक है। और ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब बार बार में शब्दों का क्या हो रहा है, उच्चारण में पुनरावृत्ति आ रही है बार बार में, ये कौन सा अलंकार है? आपको सबको पता है अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से किस किस अलंकार का प्रयोग अपनी कविता में कवि के द्वारा किया जाता है। फिर है प्रस्तुत और अप्रस्तुत। प्रस्तुत वो है जो कवि ने अपनी कविता में लिखा है, और अप्रस्तुत है जो वो लिखा नहीं लेकिन उसके द्वारा कवि वो कहना चाहता है, अपने प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का ज्ञान करवाना चाहता है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया झांसी की रानी की कविता का, उसमें क्या है कि कवि ये चाहता है कि पुराना जो झांसी की रानी का उदाहरण देकर बच्चों के अंदर या देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना को उजागर किया जाए, तो वो अप्रस्तुत है, ठीक है। तो प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का ज्ञान जो है वो कवि के द्वारा हमें दिलाया जाता है। फिर देखिए मूर्त और अमूर्त। जिस तरह से प्रस्तुत और अप्रस्तुत है, उसी प्रकार मूर्त और अमूर्त है। मूर्त जो आपको कविता में नजर आ रहा है, और अमूर्त वो है जो हम कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर का काम होता है, एक प्रोड्यूसर का काम होता है। जब भी आप एक मूवी देखते हो उसमें क्या होता है, आपको स्टार नजर आते हैं, आपको हीरो हीरोइंस नजर आते हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस नजर आते हैं। अब वो किस तरह से अपना रोल प्लेइंग करते हैं, किसके कौन कराता है उनको, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। वो बहुत सारी टीम होती है जो उनको सारे काम करवाती है। तो वो क्या है, वो अमूर्त में आता है, वो अप्रस्तुत में आता है, जो कि हमें नजर नहीं आता। नेक्स्ट है जड़ और चेतन। जड़ क्या होता है, जो दुनिया में नॉन लिविंग जिसे आप कहते हो, और चेतन क्या है, जिसके अंदर कॉन्शियस है, जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर जान है, उसे हम चेतन कहते हैं। तो कला तत्व में इन सभी की प्रस्तुति कवि के द्वारा की जाती है। देखिए बच्चे कविताओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कविताओं की अगर हम बात करें, कविताओं के प्रकार की बात करें, तो तीन प्रकार की कविताएं होती हैं। बाल गीत है, वर्णनात्मक कविता, साहित्यिक कविताएं, ठीक है। अब हम एक एक को करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाल गीत। बाल गीतों में आपने देखा होगा कि सरल तुकबंदियां, कि छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं, तो उनको बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना करके ऐसी कविताएं बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, जिनका उच्चारण वो बच्चे बहुत ही आसानी से कर सके। जैसे सरल तुकबंदियों पर आधारित होती हैं, छोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी, ठीक है, नर्सरी में पढ़ती है, सबको डाटा करती है। तो ये क्या है, ये सरल तुकबंदियों पर आधारित कविता है। ऐसे ही शिक्षा संबंधित कविता है, जैसे नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे सर, जय हिंद जय हिंद। तो ये किस पर आधारित है, शिक्षा संबंधित, कि छोटे बच्चों को अगर आपने शिक्षा देनी है तो उस पर आधारित है ये कविताएं। फिर है कथात्मक गीत, कि जो कथात्मक गीत है उन पर आधारित होती है, हवा में बसंती, हवा में बसंती। तो बहुत ही सरल भाषा में ये कविताएं लिखी जाती हैं जो बाल गीतों से संबंधित होती हैं।
जिनको कंठस्थ करना छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आसान होता है। अगली कविता का प्रकार देखिए, वर्णनात्मक कविता। वर्णनात्मक कविताएं कौन सी कविताएं होती हैं? जो किसी भी दृश्य का, किसी भी एक घटना का, किसी भी एक स्थान का वर्णन करती हैं, उनको हम वर्णनात्मक कविताएं कहते हैं। और ये कविताएं कक्षा 8 तक पढ़ाई जाती हैं। बालगीत मैंने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर पर जो है वो बालगीतों का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद कक्षा 8 तक वर्णनात्मक कविताएं पढ़ाई जाती हैं, जिसमें किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का वर्णन किया जाता है। फिर कविताओं में है साहित्यिक कविताएं। अब साहित्यिक कविताएं कौन सी कविताएं हैं? जो कि उच्च और उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, यानी कि 8वीं कक्षाओं के बाद 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में ये कविताएं पढ़ाई जाती हैं, इनको हम साहित्यिक कविताएं कहते हैं। उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए ये कविता तैयार की जाती है और इन कविताओं में नीति, करुणा, वीरता, मानवीय गुणों से संबंधित कविताएं होती हैं। तो देखा आपने, ये तीन प्रकार थे जिनके माध्यम से हम कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कविता शिक्षण में रुचि पैदा करने के उपाय कि छात्रों, छात्र और छात्राओं की कविता शिक्षण में अगर एक अध्यापक अध्यापिका को रुचि पैदा करनी है तो कौन कौन से उपायों का प्रयोग करना चाहिए एक अध्यापक को। देखिए, सबसे पहले कविता को कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब याद करना। अब कुछ कविताएं बहुत आसान होती है और बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, तो छात्रों की रुचि कविता में विकसित करने के लिए एक अध्यापक क्या कर सकता है कि छात्रों को कह सकता है कि आपको इस कविता को कंठस्थ करना है या फिर याद करना है। दूसरी, कविता लिखने का अभ्यास। आपने जो भी कविता बच्चों को पढ़ाई है उसको लिखवा कर देखिए, या फिर आप ये कहिए कि ऐसी कोई कविता बच्चे उससे संबंधित विषय पर जो आपने विषय कराया है, इसी प्रकार की अगर बच्चे अपने आप से कुछ रचनाएं लिख सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अध्यापक को उनको प्रोत्साहित करना है। फिर देखिए कविता पाठ। कविता पाठ है कविता को पढ़ना, यानी कि एक अध्यापक बच्चों को कविता पाठ के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर है सुभाषित कविता प्रतियोगिता। किसी भी स्कूल के अंदर आप एक अध्यापक इन प्रतियोगिता का आयोजन करवा सकता है और बच्चे कविताओं का पाठ वहां पर कर सकते हैं और उनमें से अध्यापक क्या कर सकता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार बच्चों को दे सकते हैं। देखिए अंताक्षरी। अंताक्षरी जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, आप सभी को पता है, तो उसमें हम गाने सुनाते हैं और इसी तरह से अंताक्षरी खेली जाए जिसमें गानों की बजाय बच्चों को कविताएं सुनाने के लिए कहा जाए, तो उसमें क्या होगा कि लयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा छात्रों की। फिर है कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी, कि छोटे छोटे कवि सम्मेलन स्कूलों में, विद्यालयों में, ठीक है, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में करवाते रहने चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर कविताओं के प्रति जागृति पैदा होगी और रुचि भी पैदा होगी। फिर है कवि दरबार। कवि दरबार में क्या होगा कि आप बहुत सारे बच्चों के अंदर इस प्रकार की रुचियां होती हैं और वो छोटी 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 कविताएं क्या करते हैं, लिखते हैं अपने आप से, तो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे लाने के लिए हमें कवि दरबार का भी आयोजन करना होगा। फिर है कवि जयंती। अभी जैसे हम अगर हमारे कवियों की, जो हमारे बहुत ही मशहूर कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि हुए हैं, अगर उनकी जयंती को मनाया जाए, जैसे कबीर दास जी की जयंती को मनाया जाए, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, बिहारी जी की, अगर इन कवियों की जयंती को मनाया जाए और उनकी कविताओं को छात्रों के सामने छात्रों के मध्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो भी पद्य शिक्षण में या कविता शिक्षण में छात्रों की रुचि उत्पन्न होगी। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज जो मैंने कविता शिक्षण, पद्य शिक्षण आपको करवाया है, इसको सिर्फ आप ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे, इसको सभी को अपने जीवन में उतारेंगे और इससे क्या होगा, इससे हमारी मातृभाषा हिंदी का विकास होगा, हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा और हिंदी वाकई में, या हम कह सकते हैं कि असल में हमारे देश की बिंदी बनेगी। धन्यवाद।